दोस्तों आज हम कंप्यूटर में एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है बूटिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे बूटिंग क्या होती है, बूटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, कंप्यूटर में जब बूटिंग होता है तब कौन कौन से प्रोसेस होती है। दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहते हैं या आप कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में उन सारी प्रोसेस के बारे में बताऊँगा जो बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत कंप्यूटर के अंदर होती है। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है उस बेल का आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित जो भी वीडियो है उसे अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बूटिंग से। बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर बूटिंग क्या होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर में बूटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और बूटिंग का जो प्रोसेस होती है, कंप्यूटर के अंदर जो बूटिंग होती है उसका जो प्रोसेस होती है वो किस टाइप की होती है। तो चलिए हम बूटिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर जो बूटिंग होती है वो क्या होती है। शायद आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने बूटिंग शब्द सुना होगा, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ बूटिंग क्या होती है। दोस्तों जब भी आप कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं या आप अपने सिस्टम को ऑन कर लेते हैं, तो जब आप कंप्यूटर के पावर बटन को ऑन कर लेते हैं, उस पावर बटन को प्रेस कर लेते हैं, तब से ही कंप्यूटर में बूटिंग स्टार्ट होने लगती है या कंप्यूटर स्टार्ट होने लगती है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में जो बूटिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में रहता है, हार्ड डिस्क से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो मेन मेमोरी में लोड हो जाती है, और जब तक यूजर उसे आदेश देता है, उसे उस कंप्यूटर तक कमांड देता है, तब तक की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने से या कंप्यूटर में जो पावर ऑन की बटन होती है उसको स्टार्ट करने से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ड डिस्क है उससे मेन मेमोरी तक लोड होने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, और यूज़र द्वारा जो कमांड दिया जाता है वहां तक की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, कंप्यूटर में बूटिंग कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गई बूटिंग की बात। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बूटिंग कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों जो बूटिंग होती है वो मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है, बूटिंग में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, लोड हो जाती है, कहां से, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी तक, ठीक है, कि जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बूटिंग के टाइप के बारे में। दोस्तों जो बूटिंग के टाइप होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होती है कोल्ड बूटिंग और सेकंड होती है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग इस प्रकार से जो कंप्यूटर होती है उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के बूटिंग होते हैं। पहला तो है कोल्ड बूटिंग और सेकंड होती है वार्म बूटिंग। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं आखिर में जो कोल्ड बूटिंग क्या होती है और वार्म बूटिंग क्या होती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जो कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है, उसमें जब आप कंप्यूटर को पावर उसकी जो स्विच ऑफ करते हो या फिर उसको पावर ऑफ करते हो या कंप्यूटर को बंद करते हो, ठीक है, तो क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग कहलाती है, ठीक है। जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर लेते हैं या उसकी जो पावर है उसको ऑफ कर लेते हैं तब वहां क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग कहलाती है, पावर ऑफ, ठीक है। अपने सिस्टम को यूजर द्वारा, ठीक है, अपने सिस्टम को यूजर द्वारा जब उसे पावर ऑफ किया जाता है वो क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गई कोल्ड बूटिंग के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं वार्म बूटिंग क्या होता है, वार्म बूटिंग क्या होता है, ठीक है। जो वार्म बूटिंग होती है वो क्या होता है, एक्चुअल में जब आप अपने सिस्टम को या यूजर जब अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता है, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अपने मोबाइल में, अपने एंड्रॉयड फोन में, उसमें देखा होगा आप जब भी स्विच ऑफ करते हैं या जो पावर के बटन होते हैं उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपको वहां पर दो बटन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो हो जाएगा स्विच ऑफ और सेकंड होगा रीस्टार्ट, ठीक है। अगर आप रीस्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं
और वो जो सिस्टम है आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है या आपका जो मोबाइल है वो फिर से चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक ही चालू हो जाता है, वही क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है। ठीक है, रीस्टार्ट। ठीक, कोल्ड बूटिंग क्या होता है, जब आप अपने सिस्टम को पूरी रूप से उसकी जो बटन होती है उसको ऑफ करते हैं, उसे बंद करते हैं, तो वहां बूटिंग क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और जो वार्म बूटिंग होती है वो क्या होती है, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को रिवाइंड करके बता देता हूँ। ठीक है, बूटिंग क्या होती है, जब भी यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर लेता है, उसकी जो बटन होती है उसको प्रेस कर लेता है, ऑन कर लेता है, तब क्या होती है कि हमारे जो कंप्यूटर है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो कहाँ पर रहती है, हार्ड डिस्क में। ठीक है, हार्ड डिस्क में सेव रहती है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होना, ठीक है, और यूजर के द्वारा कमांड देते तक उनकी भी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है कोल्ड बूटिंग और सेकंड होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, जब आप अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को पूरी रूप से या कंप्लीट रूप से पावर ऑफ कर लेते हैं, तब वहां क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और जब आप अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट पर बटन, रिस्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं या उस पर प्रेस करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं, तब वह क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है। तो दोस्तों यही मेन फंडा है बूटिंग के बारे में। ठीक है, चाहे वह आपके मोबाइल हो या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम, यही प्रोसेस होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को, आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।